दक्षिण कोरिया में लोगों ने राष्ट्रपति पार्क गुइन हे के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजधानी में हजारों लोग घोटाले के आरोप में राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने उनके कार्यालय के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। इसे कोरिया में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। पार्क पर आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त चोई सून सिल को पर्दे के पीछे से सत्ता में हस्तक्षेप करने दिया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय टीवी पर दो बार माफी मांग चुकी हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। प्रदर्शन के आयोजकों का कहना है कि सर्द मौसम और बर्फबारी के बावजूद शनिवार रात राजधानी सियोल के मुख्य चौराहे पर करीब 13 लाख लोग जुटे। उनका अनुमान है कि अन्य इलाकों में भी करीब 5 लाख और प्रदर्शनकारी जुट सकते हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन में करीब 2.5 लाख लोग शामिल हैं। सियोल में 25,000 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये प्रदर्शन 5 सप्ताह पहले शुरू हुए थे। 1980 में हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद से ये अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन हैं। शनिवार को हुए प्रदर्शनों में किसान, यूनिवर्सिटी छात्र, बौद्ध भिक्षुओं समेत समाज के हर वर्ग के लोग शामिल रहे। देखते रहिए डीबी लाइव।